वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं पाकिस्तानी गर्ल क्राइंग रिएक्शन वीडियो। बेसिकली ये हमने पहले भी वीडियो बनाई थी इनके ऊपर, औरत मार्च के ऊपर था, और आज के वीडियो में देखते हैं कि क्या कह रही हैं। बेसिकली इनकी वीडियो से तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं पाकिस्तानी लोगों से। तो देखते हैं कि भाई इनका एक्सपीरियंस इतना बुरा क्यों है। बाकी अभी क्या कह रही हैं, आई थिंक ये मुल्लाओं के बारे में कुछ कह रही हैं। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोज आपको मिले। एंड दोस्तों, आप लोग प्लीज प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करें और साथ में वीडियो को लाइक किया करें एंड कॉमेंट करके बताया करें ताकि मुझे भी पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। और दूसरा, मोटिवेशन मिलती है जब आप वीडियो को लाइक करते हो तो यूट्यूब भी उसको रेकमेंड करता है और ज्यादा लोगों को उसकी रीच बढ़ती है। तो प्लीज आप लोग को लाइक करने में कुछ नहीं जाता तो काइंडली लाइक कर दिया करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अभी वो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत, अल्लाह उनकी शान में बरकत रख के नीचे बच्चा जो है बंदा कोरल परफॉर्म कर रहा था उनसे। ओ भाई के लोनो, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की रख लो, कुरान की रख लो। गत्ता तो सवाल करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके आया हूँ पाकिस्तान से रिलेटेड एक और जबरदस्त इंटरेस्टिंग और बड़ी ही मजेदार वीडियो। दोस्तों मैंने दो दिन पहले एक वीडियो डाली थी जो इसी लड़की की थी जो आज हम वीडियो देखने वाले। वीडियो में आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया था तो आज की वीडियो भी उन्हीं लड़की की है। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला, प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में जो विचार है उसको कमेंट में जरूर डाल देना। और अगर आप भारतीय हैं या फिर भारतीय पर गर्व महसूस करते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जय हिंद तो जरूर ही लिख देना। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद वंदे मातरम। आपको एक बात बता दूं मैं कि आप लोगों के पाकिस्तान में, आप किस दुनिया में रह रहे हो, सबसे ओरल सेक्स हो रहा है। अभी मजा आएगा ना वीडियो सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अभी वो भूल गए आपके लास्ट ईयर जो एक मौलवी साहब आए थे, जो सामने यहाँ कुरान रखा था मौलवी साहब ने, इस तरह से मौलवी साहब ने जो पकड़े गए थे, क्या नाम था उनका, अल्लाह उनकी शान में बरकत करे, यूं कुरान रख के नीचे बच्चा जो है बंदा कोरल परफॉर्म कर रहा था उनसे। कैसी ये मान चले बातें खबर होता है ये लोडा। मुझे बड़ा मजा आता है इन मौलवियों की गंडे ना इनके मुंह पे डालने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, फिर आके यहाँ पे कंपेयर करो तो काफिरों से। ओ भाई के लोड़ो, थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो अपने इस्लाम की, अपने इस्लाम की रख लो, कुरान की रख लो। अगर काफिरों से इतनी नफरत है तो सबसे पहले तुम लोग इंटरनेट से हटो, यहूदियों का यूट्यूब बंद कर दो, यूज कर। बात सही है, जाहिलो पता नहीं कौन से कहां पे बैठे होते हैं ये लोग, सबसे पहले उनका यूट्यूब यूज करना बंद करो, इंटरनेट बंद करो। मैं तो कहती हूँ ये काफिर काफिर जितना बोलते हैं ना, सारे काफिर मुल्कों को इनको बायकॉट कर देना चाहिए, भूखे मार देना चाहिए, इनको वापस भेज दो इनके घरों में, ताकि ये घरों में बैठे और खच्चर पे ट्रैवल करें। इनकी औकात ही यही है इन्होंने। अबे भाई इतनी बेइज्जती कर रही है ये तो। हसन शाह, आपके मौलवी ने जो हरकत की है ना, उससे ज्यादा तो मैं कोई चीप हरकत नहीं कर रही। कुरान यहाँ रखा है, बेटा आ जाओ, चूसने का टाइम आ गया, आ जा बेटा, आ जा, आ जा। कुरान हाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, मदरसे भी हम यही करते हैं। यहाँ गए एक और, ये एक और मौलवी से ठुकवा के आए। हाँ यहाँ पर, वहाँ पे ठुकवा के आ रहे होते हैं बगैर तेल लगा के, और यहाँ पर आके मुझे शर्म दिखा रहे होते हैं। चल नहीं मेरे यहाँ से जाओ, अपने मौलवी के पास जाओ, रुक कर दो। सो अगर आपको दर्द हो रहा है गाइस, तो मैंने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है एक्चुअली, आई विल टेल यू अबाउट इट अ लिटिल बिट, तो मुझसे आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा बेबी, आपका पेन जो है ना दूर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट टाइम जब करवाए ना तो मैं आपको तेल रेकमेंड करूँगी, वो लगा के करवा देना मौलवी साहब को। और मौलवी साहब को भी ना रॉ डॉगिंग ज़्यादा पसंद है, उनको ये नहीं होता कि कुछ कंडम वंडम शंडम चला ले। कंडम कंडम क्या कंडम, क्या कंडम, आई कंडम द कंडम। Once more, once more, once more.
पिछवाड़े से कौन सा बच्चा पैदा हो जाने, वो भी बंदेगा तो क्या करें। तो ये है आपके मुल्ला मुनाफिक जी, जो अपनी ठुकवाते हैं, जो बैठ के वहां पर अपना हिला रहे होते हैं और ऐसी बातें कर रहे होते हैं बैठ के। लाना तुम लोगों की शक्लों पे, लाना तुम लोगों की शक्लों। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो देखकर काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हंसी आई होगी और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं, मौलाना हैं, उनके बारे में आपके जो विचार हैं और ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे, दुरुस्त हो गए होंगे। उनकी जो हरकतें हैं मदरसों में जो काम करते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ, उसको सुनकर आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो यही कारण है कि पाकिस्तान आज जो इतनी ऊँचाई पर पहुँच गया, इतनी ज़्यादा तरक्की करा, इन मौलानाओं के ही कारण है। क्योंकि पाकिस्तान की तरक्की के पीछे इन मौलाना मौलवी और वहाँ की जो आर्मी है इनका सबसे बड़ा हाथ है, ये मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को पता है। लेकिन इस वीडियो ने ये पूरी तरह जाहिर कर दिया है कि मौलाना ही पाकिस्तान को चलाते हैं और मौलाना ही पाकिस्तान में सबसे रूल नियम बनाते हैं। कैसे क्या होगा ये सब डिसाइड करेंगे मौलाना। तो आपका वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट में जरूर बता देना, और अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, बन जाएं। यहाँ वीडियो तो एंड हो ही जाती है, लेकिन जो लैंग्वेज मैडम यूज कर रही है वो गर्ल्स वाली लैंग्वेज नहीं है। ठीक है मौलाना जो भी करते हैं, लेकिन आप देखो बोल्ड भी होना ठीक है, लेकिन एज अ गर्ल आप गर्ल की रिस्पेक्ट होती है, माँ की रिस्पेक्ट होती है, सिस्टर की रिस्पेक्ट होती है, तो इस तरह की वल्गैरिटी वल्गर लैंग्वेज यूज करना आई डोंट थिंक कि ये एक अच्छी बात है। आप सोशल मीडिया पर इस टाइप की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि मतलब कि सोशल मीडिया मतलब कि सिर्फ मौलाना को इन्होंने टारगेट किया तो ठीक है भाई ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कह रही। ये जो टॉपिक पे बात हो रही है ठीक है, मौलाना के ऊपर बात हो रही है और इसमें काफी हद तक सच्चाई होती है। बहुत सारे देखो गलत लोग जो होते हैं ना, उनको फिर कुछ समझ नहीं आती, उनका दिमाग उनकी अक्ल उनके हर चीज ना बस पर्दा पड़ जाता है, उनको कुछ समझ नहीं आता क्या सही क्या गलत है, उनको बस उस वक्त वही अच्छा लग रहा होता है जो चल रहा होता है। तो मैं ये कहूंगी कि ये मौलाना ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए और गवर्नमेंट को ऐसे सजा देनी चाहिए इन लोगों को कि ये लोग पूरी जिंदगी याद रखे। लेकिन लैंग्वेज के तौर पर आप देखो तो ये आप भी कभी नहीं चाहोगे कि आपकी कोई फैमिली में से कोई भी लोग जो है वो फीमेल्स स्पेशली मेल्स भी नहीं बल्कि फीमेल्स तो दूर की बात, मेल्स भी इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करें, आप लोग ऐसा चाहोगे। लेकिन हमारे यहाँ पर अब ये फीमेल देखो इन्होंने इस तरह की वल्गर लैंग्वेज यूज की है और इस तरह से बात करना आई डोंट थिंक कोई अच्छा तरीका है। इस तरह से आप गर्ल्स को क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो? ठीक है आपका एक लैंग्वेज है, आप बोलो जिस तरह से आप बोल रहे हो तो वो एक अलग बात होती है, लेकिन एज अ गर्ल आप किसी को इस तरह से अब्यूज कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, नॉर्मली समझ आता है लेकिन एक लिमिट होती है। आप उसको इतना ज्यादा जो है वो आप, और आप अमेरिका में बैठे हुए हो और अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान, हाँ आप फेस पर आकर इस तरह की बात करते हो, पाकिस्तान में रहकर अगर आप इस तरह की बात करो तो समझ भी आता है। आप तो वहां ऐसे है कि पीठ पीछे ये बात किया जा रहा है, आप वहां पर जाकर आप फिर इतना बुरा भला बोल रहे हो। हाँ ठीक है हर किसी को राइट होता है बोलने का, लेकिन आप बोलो लेकिन ऐसे बोलो कि आपके अल्फाज जो होते हैं, कहते हैं औरत की जुबान इंसान को खूबसूरत बनाती है, इंसान की औरत की शक्ल खूबसूरत नहीं बनाती है। अगर शक्ल सिर्फ खूबसूरत होती तो जो बाहर कोठों पर जो है कितनी सारी प्रोस्टिट्यूट बैठी होती हैं और वो इतनी खूबसूरत होती हैं, हुस्न कितना उनके पास होता है, लेकिन उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं होती है जो एक घर की आम औरत में होती है। तो कहने का मतलब ये कि हुस्न की अगर इतनी वैल्यू होती तो आज कोठों पर जो ये जो है जहां पर प्रोस्टिट्यूट बैठी होती हैं वहां पर ये हुस्न जलील नहीं हो रहा होता। मर्द को जो है ना लोगों को हुस्न पसंद नहीं आता, लोगों को औरत की अच्छाई उसकी जुबान उसके अखलाक अच्छा लगता है। तो मेरा यहाँ पे साइलेंट सा आंसर है, एज अ गर्ल मैं आपको आंसर दे रही हूँ, एज अ पाकिस्तानी बिल्कुल नहीं बोल रही। तो देखो लैंग्वेज अच्छी यूज करनी चाहिए, अपना अखलाक अच्छा होना चाहिए, और आप सोशल मीडिया पे बैठ के रिप्रेजेंट कर रहे हो, भले आप जिस कंट्री में रह रहे हो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, चाहे आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपको राइट भी है बोलने का, लेकिन एक तरीका होता है एक मैनर होता है। इस तरह से नहीं कि आप जो आपके मन में आया आप बस बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, तो ये चीज बहुत ही ज्यादा गलत हो जाती है। तो प्लीज इस तरह की चीजें बोलने से पहले 10 बार लोगों को सोच लेना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज कैसे कर लेते हैं। बाकी अगर मौलाना की बात करें तो ऐसे मौलाना बहुत सारे हैं, लोग करते भी हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से भी आए हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, भाई ऐसा है होता है, हर जगह नहीं होता लेकिन होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है होता है, लेकिन
ये चीजें ऐसी होती हैं और केसेस भी निकल कर आए हैं, तो इस पे कानून को भी केस काम करना चाहिए और जो है ना ये मतलब इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। स्पेशली आप स्कूल या मदरसा में इस तरह की चीजें करोगे तो ये अनएक्सेप्टेबल है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कैसे भेजेंगे कहीं पर एजुकेशन के लिए या किसी भी लिहाज से वो कैसे किसी को भेज सकते हैं। सो ये सोचने की बात है। बाकी आप क्या कहेंगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ओवरऑल जो है आप लोगों का रिव्यू जानना चाहूंगी। बाकी लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम पाकिस्तान, अपना ख्याल रखिएगा और सजेशंस देते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।